नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों सिंघम अगेन का जो कल गाना रिलीज किया गया था, जो बजरंगबली सॉन्ग, काफी जबरदस्त मतलब ये गाना रहा। और 2.2 करोड़ व्यूज, जब मैंने वीडियो बनाया था 2.2 करोड़ व्यूज ये सारे गाना म्यूजिक पर प्राप्त कर चुका था, मतलब करीब करीब 22 मिलियन उससे ज्यादा व्यूज हासिल कर चुका है। तो बजरंगबली की महिमा है और गाना भी जबरदस्त है, जैसे श्री राम के नारे हैं। साथ में दोस्तों अजय देवगन सर, रणवीर सिंह, सभी का अंदाज बहुत ही बेहतरीन था। और जिस प्रकार से मतलब गाने को गाया गया है, जिस प्रकार से गाने को लिखा गया है, काफी जबरदस्त मतलब ये गाना है और लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। गुजबम्स पूरा गाने में देखने को मिलता है, तालियां गड़गड़ाहट पूरा मतलब थिएटर्स में आपको सुनने को मिलने वाला है इस गाने में। तो काफी अच्छा मतलब ये श्री कृष्ण शर्मा है शायद, और साथ में और भी कुछ गायक है, उन्होंने मिलकर के इस गाने को गाया है। काफी अच्छी तरीके से गाने को लिखा भी गया है और काफी अच्छे व्यूज मिले, मतलब हाइप बढ़ी है इस गाने के कारण सिंघम अगेन की, ऐसा मेरा मानना है। अब बात आती है मुद्दे की बात ये है दोस्तों की बुक माई शो पे तो दोनों फिल्मों में तगड़ा मुकाबला चल रहा है, और मोस्ट एंटीसिपेटिंग मूवीज में भी बुलबुलैया 3 और सिंघम अगेन का तगड़ा मुकाबला यहाँ पे जारी है। लेकिन सवाल ये है कि 20 तारीख हो गई है, तो आगे क्या प्रमोशन में आगे क्या होगा? तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि अभी सिंघम अगेन के कम 2 गाने और आएंगे, आपको 2 गाने और देखने को मिलने वाला है, जिसमें एक तो जो टाइटल सॉन्ग वो आएगा और एक गाना और आएगा जो शायद अजय देवगन की किसी पुरानी फिल्म का रीमेक है, ऐसी खबरें आ रही है पुरानी फिल्म के गाने का रीमेक है, कौन सा ही अभी कन्फर्म नहीं है। और बुलबुलिया 3 के भी गाने आने वाले हैं, एक गाना आ चुका है टाइटल ट्रैक और ये गाना भी अभी 1-2 गाने और आएंगे। इसके अलावा ट्रेलर टू आएगा, दोनों फिल्मों का ट्रेलर टू आने वाला है। अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके अंदर 24 या 25 तारीख, मतलब 25 तारीख तक दोनों फिल्मों का ट्रेलर आ जाएगा, ट्रेलर टू आ जाएगा। पहले बुलबुलिया 3 का आएगा और ये शायद 23 तारीख को या 24 तारीख को आने की उम्मीद है, और सिंघम अगेन का 25 तारीख को आप मान के चलिए कि 25 या 26 तारीख को ट्रेलर आएगा। अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट अभी कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। बात करें एडवांस बुकिंग की, तो एडवांस बुकिंग की मैं आपको बता दूं कि एडवांस बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है और 25 तारीख पहले शुरू भी नहीं होगी, मतलब कि करीब 25 या 26 तारीख को एडवांस बुकिंग ओपन होगी दोनों ही फिल्मों की। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 तो 5-6 दिन पहले मतलब एडवांस बुकिंग शुरू होने वाली है। अब उसी में पता चलेगा दोनों फिल्मों में एक्चुअली किसकी ज्यादा हाइप है और कौन सी फिल्म ज्यादा बड़ा बढ़िया मतलब ज्यादा बड़ा कलेक्शन करने वाली है। जहां तक बात करें स्क्रीन्स की, तो स्क्रीन्स की मैं बार बार बता रहा हूँ, सिंघम अगेन को फिलहाल 3,800 to 4,000 स्क्रीन्स मिलने वाली है। पीवीआर आईनॉक्स में तो खैर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी सिंघम को वही कह रहे हैं, ज्यादा स्क्रीन्स मिलने हैं। इसके अलावा भी जो सिनेपोल्स है, मिराज थिएटर है और जो सिंगल स्क्रीन थिएटर है, उन सब में भी मतलब काफी अच्छा मतलब सिंघम अगेन को स्क्रीन्स मिलेंगे। तो अभी के आज का जो प्रिडिक्शन है वो मेरा 35 से 40 करोड़ का प्रिडिक्शन है सिंघम अगेन का फर्स्ट डे का, और बुलबुलिया का 15 से 20 करोड़ का प्रिडिक्शन है। अब जैसे नई रिपोर्ट आती है आपको लगातार जानकारी चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।